और एक वीडियो लेके आएंगे जिसपे आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देंगे कि 32 फीट में इनका सेटअप कैसे लग सकता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रितेश, वेलकम है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली डिजिटल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पटामुंडे में जो होने वाला है डीजे कंपटीशन, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाला है इंडिया का सबसे डिमांडेबल कंपटीशन, जो कि आपका होने वाला है पटामुंडई ओडिशा में, जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्योंकि दोनों ही डीजे की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दिया गया है कि वहां पे कंपटीशन होगा। और होगा भी तो कैसे होगा, जबरदस्त कंपटीशन लेवल का स्टैंडिंग, यानी कि आप बोल सकते हो दोनों ही सेटअप रख के बजाया जाएगा, और वो भी थोड़ा देरी के लिए नहीं, आप बोल सकते हो 8 घंटा का कंपटीशन होगा आपका, दोपहर 2 बजे से रात का 10 बजे तक, यानी कि 8 घंटा दोनों ही डीजे वालों को टाइम मिलेगा आपस में कंपटीशन करने का, आपस में अपना क्वालिटी एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाने का। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो कंपटीशन होने वाला है यह ओडिशा राज्य के पाटामुंडई, जो कि आपका जशपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला है। और अगर आप कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा 13 तारीख को भद्रक स्टेशन, या फिर जसपुर रेलवे स्टेशन, या फिर कटक रेलवे स्टेशन, कहीं भी आप आइए, वहां से बस पकड़ के आप पहुंच जाइएगा पटामुंडई, जो कि वहां पे आपको किसी से भी पूछेगा तो आपको लोकेशन दे दिया जाएगा, जो एक स्कूल ग्राउंड है वहीं पे होगा। तो ये रहा आपका लोकेशन पटामुंडई ओडिशा में, जो जसपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कंपटीशन का टाइमिंग क्या होने वाला है। तो रहने वाला है दोस्तों आपका कंपटीशन का टाइमिंग 14 तारीख को दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और कंपटीशन होगा आपका डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक के बीच। तो चलिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा डिटेल में जानकारी दे देंगे कि कंपटीशन किस तरह से होगा। तो दोस्तों, यह कंपटीशन जो होने वाला है ये रग के कंपटीशन होगा, जो वेस्ट बंगाल में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि वहां पे रग के कंपटीशन को किया जाता है, ओडिशा में भी होने वाला है इस बार। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा 32 फीट का सेटअप लगेगा, यानी कि आप सोच सकते हो कितना बड़ा सेटअप लगेगा। 32 फीट वाला सेटअप के बारे में और एक अगला वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि 32 फीट में किस प्रकार का सेटअप लग सकता है दोनों का। तो फिलहाल अभी आपको हम जानकारी दे दे रहे हैं कि पटामुंडई का कंपटीशन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, वहां पे बहुत मजा आने वाला है। और पलड़ा किसका भारी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों ही डीजे को आपका दोस्त ओनली डीजे की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा वहां पे, और हम सबको अच्छा खासा एंटरटेनर कीजिएगा। और बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन बड़ी मस्त होगा, क्योंकि दोनों ही सेटअप अपने अपने जगह पे बेस्ट है, तो बहुत मजा आएगा। आप लोग आइए जो भी बाहर से आना चाहते हैं, और जो नहीं भी आइएगा, अगर आपको कोई काम है, एग्जाम है, या फिर किसी कारण बस आप नहीं आ सकते हो, आपका दोस्त आपको कंपटीशन ऐसे दिखाएगा ना जैसे आपको लगेगा कि हम घर पे ही कंपटीशन का मजा ले रहे हैं, ऐसे आपका दोस्त इस बार आपको कंपटीशन का मजा दिलाने वाला है, वो भी शुरू से लास्ट तक। सेटअप कैसे रेडी हो रहा है सब आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा 32 फीट, जो जो भाई लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 32 फीट का मतलब क्या है, तो आपको बता दे 32 फीट आपका चौड़ा होने वाला है, जो डीजे का चौड़ा, जैसे क्या बोलेंगे, कोई कोई जगह आप देख सकते हो कि 10 बेस लगा हुआ रहता है, दो दो के एवरेज पे, माने 2 नीचे फिर उसके ऊपर, तो वो होता है आपका मोटा मोटी 7 से 8 फीट। वैसे ही वहां पे 32 फीट लगेगा, यानी कि आप सोच सकते हो 8 बेस का चौड़ा रहेगा, यानी आप कैसे आपको समझाएंगे, 8 बेस नीचे रहेगा, उसके ऊपर 8 8 करके जाएगा इस प्रकार से, अगर डुअल बेस है तो। और पावर म्यूजिक का तो आपको सेटअप पता ही है, उनका सेटअप कितना चौड़ा है, 4x4 वाला पॉप बेस, जो कि 7 से 8 फीट एक बॉक्स का रहने वाला है, तो उनका भी बॉक्स अच्छा खासा नीचे लगने वाला है आपका। 4 पीस तो नीचे रह गए, जो कि आपका मोटा मिला में लगा हुआ था, सेम सेम उसी प्रकार से, लेकिन इस पे कुछ एडवांस और कुछ बेस या फिर मेड कुछ भी हो और हैवी लगेगा, तो ऐसा होने वाला है वहाँ का कंपटीशन। और अच्छा खासा एक कमेंट कर दीजिएगा आपको दोस्त को, फिर आगे इसी टॉपिक पे और एक वीडियो लेके आएंगे जिसपे आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देंगे कि 32 फीट में किनका सेटअप कैसे लग सकता है।
अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।